हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, एक ट्रेलर रिलीज हुआ है ऑलमोस्ट 5 मिनट का। अब आप कहोगे ट्रेलर 5 मिनट का, इतना लेंदी? जी हाँ, और ये ट्रेलर है भी एक ऐसी मूवी का जिसका लोगों को, स्पेशली मास मसाला एक्शन लवर्स को काफी इंतजार था। मैं बात कर रही हूँ सिंघम फ्रेंचाइजी के कॉप यूनिवर्स सिंघम अगेन मूवी की, जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। तो चलिए बात करते हैं इस ट्रेलर के बारे में कि ट्रेलर कैसा है, और ये सब जानने के लिए आपको मेरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेलर की लेंथ के बारे में। तो ये ट्रेलर ऑलमोस्ट 5 मिनट का है और इस ट्रेलर को अब तक का सबसे लेंथी ट्रेलर माना गया है। और ये ट्रेलर लंबा क्यों ना हो भाई, इस ट्रेलर में पूरी कास्टिंग साथ ही में मूवी की ऑलमोस्ट स्टोरी दिखा दी गई है। तो इस मूवी में जो कास्टिंग हम लोगों को नजर आने वाली है, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे अजय देवगन, करीना कपूर, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, जैकी श्रॉफ, अक्षय कुमार और अर्जुन कपूर। इनके अलावा एक सरप्राइज और है जो मैं आपको अपनी वीडियो के एंड में बताऊंगी। ये तो थी इस मूवी की मेन कास्टिंग। मूवी की सेकेंडरी कास्टिंग में आपको सीआईडी के दया और श्वेता तिवारी भी नजर आने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि इस मूवी में अच्छी खासी कास्टिंग को रखा गया है। पहले अगर हम लोग इस मूवी के बजट की बात करें तो ये मूवी एक हाई बजट मूवी है, और क्यों ना हो, इस मूवी में कास्टिंग इतनी सारी है और साथ ही में रोहित शेट्टी की मूवी है तो गाड़ियां तो फूटेंगे भाई, बजट तो बढ़ना ही है ना मूवी का। अब अगर हम लोग स्टोरी की बात करें कि इस मूवी की क्या स्टोरी है, जो कि ट्रेलर में ऑलमोस्ट सारी दिखा दी ही गई है, तो इस मूवी के ट्रेलर को देखने के बाद आप लोगों को कहीं ना कहीं रामायण वाला फील आएगा, क्योंकि इस मूवी में जो कॉन्सेप्ट रखा गया है वो रामायण का रखा गया है। जैसे रामायण में था ना कि सीता माँ को रावण उठा करके लेकर जाता है, उसके बाद राम, लक्ष्मण, हनुमान जी की हेल्प से लंका जाकर के सीता माँ को वापस लेकर आते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट आपको इस मूवी में भी देखने को मिलेगा। इस मूवी में भी आपको नजर आएगा कि राम रूपी अजय देवगन, लक्ष्मण यानी टाइगर श्रॉफ और हनुमान जी यानी रणवीर सिंह की हेल्प लेकर लंका जाते हैं सीता माँ यानी करीना कपूर को वापस लाने, जिनका हरण किया था रावण यानी अर्जुन कपूर ने, जो कि इस मूवी के विलन बने हैं। वहीं लोगों की हेल्प करते नजर आएंगे जटायु। जटायु का रोल प्ले करा है अक्षय कुमार ने। अब ये जटायु उड़ तो सकता नहीं है, तो अक्षय कुमार की एंट्री दिखाई गई है हेलीकॉप्टर में। मतलब ये जटायु मॉडर्न जटायु है, हेलीकॉप्टर में उड़ता हुआ आया है। बाकी इस मूवी में दीपिका और जैकी श्रॉफ को किस रामायण कैरेक्टर से सिंबलाइज किया है वो अभी थोड़ा डाउटफुल है। जब आप मूवी देखो या ट्रेलर देखो और आप अगर आप लोगों को समझ में आए कि किस कैरेक्टर से सिंबलाइज किया है तो मुझे भी प्लीज जरूर बताना। ओवरऑल जो ट्रेलर सामने आया है वो ठीक है, एक्शन सिक्वेंसेस भी देखने में अच्छे लग रहे हैं। कुछ थोड़े से रिपीटेटिव हैं, कुछ थोड़े से ओवर लग रहे हैं, बट स्टिल एक्शन सिक्वेंसेस ठीक हैं। लेकिन अगर आप एडिटिंग पे ध्यान दोगे तो आपको ट्रेलर में कहीं कहीं ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट नजर आएगा। वहीं अगर हम इस ट्रेलर में एक्टिंग की बात करें तो इस ट्रेलर में जितने भी एक्टर्स दिखाए गए हैं वो सारे अच्छे एक्टर्स हैं। उनका रोल प्ले, उनकी एक्टिंग ट्रेलर में काफी अच्छी लग रही है। साथ ही में अर्जुन कपूर को जब आप इस ट्रेलर में देखोगे तो आपके काफी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अर्जुन कपूर ने इस मूवी में अपने आप को काफी ज्यादा इम्प्रूव करा है अकॉर्डिंग टू ट्रेलर। जिस तरह का रोल उनको दिया गया था विलन का, उन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपना रोल निभाया है। उनको एक क्रूअल विलन दिखाया गया है जो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। हम कह सकते हैं कि हाँ, मे बी अर्जुन कपूर मूवी में काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड हम लोगों को नजर आने वाले हैं। बाकी ट्रेलर देख करके ये मूवी सिंघम अगेन तो कम, लेकिन रामायण 2024 ज्यादा लग रही है। जो सिंघम फ्रेंचाइजी की मूवीज थी वो सारी कॉप यूनिवर्स पे बेस्ड थी, लेकिन इस मूवी को जो रामायण टच दिया गया वो थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा। जब आप लोग ट्रेलर देखोगे तो आप लोगों को खुद लगेगा कि पुलिस के पास और कोई काम नहीं है कि दुनिया जाए भाड़ में, हम तो जा रहे हैं जी राम और लक्ष्मण के साथ सीता माँ को वापस लेने। ऐसा सा कॉन्सेप्ट इस मूवी में दिखाया गया जो सिंघम अगेन के मूवी पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। बाकी ये मूवी तो रोहित शेट्टी की, और रोहित शेट्टी अपने सिग्नेचर एक्शंस को कैसे भूल सकते हैं। और इस बार भी आप लोगों को इस मूवी में भर के गाड़ियां उड़ती नजर आएंगी। पहले स्कॉर्पियो उड़ा करती थी, अब थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है तो मॉडर्न स्कॉर्पियो, मतलब अपग्रेडेड नई स्कॉर्पियो उड़ती नजर आएगी। लेकिन गाड़ियां इस मूवी में भी आपको खूब उड़ती नजर आने वाली। अब बस वेट है तो 1 नवंबर का, जब ये मूवी थिएटर्स पे लग के धमाल मचाएगी। और देखना ये है कि ये मूवी क्या वाकई में धमाल मचाएगी, या जो ये रामायण का टच इस मूवी में डाला गया है वो मैस क्रिएट करेगा। वो सब तो तब पता चलेगा जब ये मूवी रिलीज हो जाएगी। तब तक मास मसाला एक्शन फैंस और सिंघम फैंस रेडी हो जाओ, क्योंकि सिंघम आ रहा है, और वो भी अकेला नहीं, लेकिन सिंघम के साथ आप लोगों को नजर आएंगे चुलबुल पांडे भी। जी हाँ, इस मूवी में चुलबुल पांडे यानी सलमान खान का कैमियो अपीयरेंस कंफर्म हो चुका है। तो बाकी और कास्टिंग के साथ आप लोगों को इस मूवी में सलमान खान भी नजर आएंगे।
ये था मेरा रिव्यू मूवी के ट्रेलर को लेकर के। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आगे ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।